स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एचडी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं। और इस बुक में आपका जो चैप्टर चल रहा है, नाव और धारा वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है आपकी, तो दूसरी क्लास आज स्टार्ट करेंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज ख़त्म कर दें हम यहाँ पे। पर उससे पहले अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी हो और चैप्टरों की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग इस बुक के सारे चैप्टर अब ख़त्म होने जा रहे हैं। सभी चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज नावधारा की, क्लास दो। ठीक है, तो अभी तक जो इसके क्वेश्चन हुए हैं पहली क्लास में, वो शायद 20 तक क्वेश्चन हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 में क्या है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है। मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, अगर किसी ने अभी हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी है, नाव और धारा वाली, तो एक बार पहली वाली क्लास देख लें, तभी ये समझ आएगी। ठीक है, पर फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। शांत जल में चाल या नाव की चाल को क्या मानना है, एक्स। धारा की चाल को क्या मानना है, वाई। धारा की दिशा में चाल को क्या मानना, एक्स प्लस वाई। और धारा के विपरीत चाल को क्या मानना, एक्स माइनस वाई। बस यही 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, और इन 4 पॉइंटों से ही कल 20 के 20 क्वेश्चन हमने करे भी थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है धारा के विपरीत 6 घंटे में 24 किलोमीटर, तो समय दे दिया और दूरी दे दी, तो बचा क्या, चाल। क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं, समय दूरी चाल में रिलेशन होता है। अब इसने आपको समय और दूरी दे दी हैं, 6 घंटे में 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलता है, तो अब चाल ही निकलेगी यहाँ से। तो विपरीत दिशा में चाल होती क्या है, एक्स माइनस वाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी है, 24 दूरी है, और 6 घंटे में ये चल रहा है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। ठीक है, इससे आगे देखें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो इससे आगे इसने बोला है, और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर, तो समय और दूरी दे दी तो चाल ही निकलेगी। धारा की दिशा में चाल होती है एक्स प्लस वाई, और दूरी कितनी है 20, और कितने घंटे में, 4 में, तो 4 × 5 = 20। तो एक्स माइनस वाई 4 आ गया है, और एक्स प्लस वाई 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति क्या है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होती है, एक्स। धारा की गति क्या होती है, वाई। तो ये आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो या तो एक काम करें, आप इन्हें एक बार जोड़ दें, तो एक्स निकल जाएगा, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = 9। तो एक्स बराबर 9/2, मतलब 4.5 आ जाएगा। और एक बार घटा दें, या उससे भी आसान एक तरीका हम आपको बताते हैं, एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स और वाई में अंतर कितने का है, 4 का है। मैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा 2 मिनट आपके लेने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करें, कहीं पे ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 4, और एक्स माइनस वाई बराबर 2। समझ रहे हैं आप, एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स माइनस वाई बराबर 2, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो कहने का मतलब है, अगर किसी का योग और अंतर आपके पास हो, उनका योग कितना है 4 और अंतर कितना है 2, योग और अंतर अगर आपके पास है और उसमें से आपको बड़ा वाला निकालना हो, तो योग अंतर को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो बड़ा आ जाता है। अब बड़ा कौन होता है, जो उसमें से घटता है, तो एक्स में से वाई घट रहा है, तो यहाँ बड़ा कौन है, एक्स है। और छोटा कौन होता है, जो घटता है, तो यहाँ वाई घट रहा है, तो वाई छोटा है। अब योग अंतर अगर आपके पास है और आपको बड़ा वाला निकालना है, तो योग अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो 4 और 2, 6 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर वाई निकालना हो,
तो वाई तो छोटा है, तो छोटा कैसे निकालते हैं अगर योग अंतर पर, योग और अंतर ही होना चाहिए, तो योग अंतर को आपस में घटाओ आप, उनका जो अंतर आएगा उसे दो से डिवाइड कर दो। तो 4 में 2 में कितने का अंतर है, 2 का, 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 2 एकम 2, ठीक है, तो इस तरह हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे हम। अब यहाँ से हमें एक्स और वाई दोनों ही निकालने हैं, तो एक्स बड़ा है यहाँ पे क्योंकि y घट रहा है ना यार यहाँ पे, तो x बड़ा है, तो बड़ा कैसे निकलेगा, योग अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 4 और 5 9 को 2 से भाग कर दो, तो 2 चौक 8, 2 5 10, और y कैसे निकलेगा, y छोटा है, इनके अंतर को 2 से भाग कर दो, तो इनमें कितने का अंतर है, 4 में और 5 में 1 का, तो 1 को आप 2 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा 0.5। तो ये तो शांत जल में नाव की चाल आ चुकी है और ये धारा की चाल आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इससे आगे अब आप बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 22। अब ये जो क्वेश्चन है 22, ये थोड़ा सा बेसिक चला जाएगा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है ये, तो इक्वेशन इनमें बनानी होगी, और कोई तरीका इनका है नहीं। देखो, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। जाने और आने का समय उसने आपको दे दिया है, जा तो रही है वो 18 किलोमीटर और विरुद्ध आ रही है 12 किलोमीटर, और आने और जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। फिर एक कंडीशन और दी है ऐसी, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में तय करती है। तदनुसार धारा की गति आपसे पूछी गई है, धारा की गति आपसे पूछ रहा है, तो करना क्या होगा इसमें, जल्दी जल्दी कर देते हैं। उसने आने जाने का समय दिया है आपको 3 घंटे, और जब आने जाने का समय दिया गया हो तो मैंने आपको बोला था कि उस क्वेश्चन को कुल समय बराबर समय से ही करना है। तो पहले तो जाने में समय निकालें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो कितनी दूर जा रहा है वो, 18 किलोमीटर जा रहा है, तो ये तो दिशा हो गया। अब दिशा में चाल क्या होती है, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। अब शांत जल में चाल क्या मानते हैं, एक्स, और धारा की चाल क्या मानते हैं, वाई। और आने का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, अब आना मतलब विपरीत, तो विपरीत 12 किलोमीटर आया है वो, और विपरीत चाल जो आपकी चाल है वो क्या होती है, x माइनस वाई होती है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये है, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लें आप, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर लें, 3 6 18, 3 चौक 12 और 3 ही गम 3, थोड़ा शॉर्ट कर लिया, इसे इक्वेशन 1 मान लें। इससे आगे बढ़ जाए अब, इससे आगे भी ऐसी कंडीशन आपको इसने दी है इस क्वेश्चन में, पढ़ के देख लें आप। अभी एक इक्वेशन और बनेगी, तो इससे आगे इसने क्या क्या कहा है देखें जल्दी से। जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर, अब धारा की दिशा में 24 जा रही है, और चाल क्या होता है, धारा की दिशा में x प्लस वाई, और विरुद्ध कितना है इसमें, विरुद्ध है 36 किलोमीटर, तो विरुद्ध चाल क्या होती है, x माइनस वाई, और कितना समय, 6 सही 1/2, मतलब 6 दुनी 12 और 1 13/2, ठीक है। तो एक काम करें आप, इसमें थोड़ा सा इसे भी शॉर्ट करने की कोशिश करें, या ऐसी रहने दें अब, या तो इस वाले पद को कैंसिल कर लें, ये इक्वेशन आपकी 2 है, या तो इस पद को कैंसिल करें, x प्लस वाई या x माइनस, ठीक है। तो एक काम करें, x प्लस वाई को कैंसिल कर लें, तो इसमें कितने की आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ कितना है 24, तो यहाँ भी 24 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इक्वेशन 1 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 6 24/x + y और प्लस 4 चौक 16/x - y और बराबर 4 ही कम 4, ये इक्वेशन 1 थी। अब इन्हें आप घटा दें इस तरह, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 36 - 16/x - y, सोल्व करके देखना आप, यही आएगा
ठीक है, तो 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, और 2 चौक 8, 13 में से 8 गए 5, 5 बटे 2, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और वाई की इधर, तो एक्स नहीं इसके इधर और एक्स माइनस वाई के इधर, तो एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ से 8 आ जाएगा। तो अभी तो एक्स माइनस वाई आया है और अभी तुम्हें एक्स प्लस वाई और निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? एक्स माइनस वाई की वैल्यू आप कहाँ रख दें? इक्वेशन 1 में रख दें, यहाँ रख दें या यहाँ रख दें? यहाँ रख दें, यहाँ 8 रख दें आप, है ना। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है ये 8, उसे यहाँ रख दें, तो 6 बटे x+y और प्लस 4 बटे x-y की जगह 8 रख दें और बराबर 1। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक, इसे उधर ले जाएं, 6 बटे x+y और बराबर 1 -1/2। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। तो 6 बटे x+y बराबर 1/2। ठीक है, अब 2 की इधर की रोस मल्टीप्लाई और इसकी इधर कर देंगे, तो 2 छक्का तो 12 हो जाएंगे, तो x+y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 12। तो और x माइनस वाई कितना आया था? 8 आया था। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो ये देख लें। तो वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था धारा की गति, तो धारा की गति तो y होती है, तो y की वैल्यू पूछ रहा है। योग अंतर तुम्हारे पास है तो y तो छोटा है, तो y कैसे निकलेगा? योग अंतर के अंतर को 2 से भाग कर दें, तो 12 में और 8 में कितने का अंतर? 4 को आप 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है जैसे क्वेश्चन 22 मैंने आपको कराया है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करके दिखाई है। तो एक काम करें, ये 23 क्वेश्चन आप कर लें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर इसी जैसा एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, फिर मैं कर दूंगा उसे। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसी ही होनी है जैसे इसकी क्वेश्चन की हुई है। अब 24 पे आ जाएं आप। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, 24 पर आ जाए तो धारा के विपरीत चाल होती क्या है? एक्स माइनस वाई कितनी है? 16 है, और इससे आगे जो है, और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो एक्स प्लस वाई कितना है? 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो उसकी वास्तविक चाल पूछ रहा, तो वास्तविक चाल क्या होती है? शांत जल में जो चाल होती है, और शांत जल में चाल क्या होती है? एक्स। तो एक्स का मान आपको यहाँ से निकालना है बस। तो एक्स कैसे निकलेगा? योग अंतर, एक्स बड़ा है ना, योग अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर दें, तो 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4 को 2 से भाग कर दें, तो 44 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी वास्तविक चाल हो चुकी है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं। ट्वेंटी फाइव में क्या है? एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, धारा की दिशा में 10 मिनट में, दूरी दे दिया है और समय दे दिया है, तो बचा क्या? चाल। तो धारा की दिशा में चाल निकाल दें, तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है? एक्स प्लस वाई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 1 किलोमीटर कितने समय में? 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट ये बोल रहा है, और मिनट के आपको घंटे बनाने होंगे क्योंकि दूरी किलोमीटर में है ना, तो 6 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ चुका है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और उससे आगे धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है ना, तो धारा के विपरीत चाल क्या होती है? एक्स माइनस वाई, तो उतनी ही दूरी है ये 1/2, और 30 मिनट कितना होता है? 1/2, 30 मिनट में आधा घंटा होता है ना, ये 2 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा,
तो ये आपका 2 आ चुका है, तो x माइनस वाई 2 आ चुका है और x प्लस वाई आपका 6 आ चुका है। अब आपसे पूछ कह रहा धारा की गति, तो धारा की गति तो y होती है, तो y तो छोटा है, तो y कैसे निकलेगा, योग अंतर के अंतर को 2 से डिवाइड कर दें। छोटे को कैसे निकालते, घटा के 2 से भाग करते हैं, और बड़ा कैसे निकालते, जोड़ के 2 से भाग। तो 6 में 2 क्या 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। 26, अब 26 में क्या है, 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव, अनुप्रवाह का मतलब होता है दिशा में, 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो 8 मिनट तो समय हो गया और 4.8 दूरी होगी, तो बचा क्या, चाल ही निकलेगी यहाँ, तो दिशा में आप चाल निकाल दें। तो दिशा में चाल तो x प्लस वाई होता है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी है, 4.8, और कितने समय में वो तय कर रही है, 8 मिनट में। तो मिनट हैं और मिनट के आप सेकंड घंटे बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, वो 60 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, ये लीजिए 8/60 लिखते, 60 यहाँ पहुंच जाएगा घूम के, तो इस जीरो से ये ख़त्म, और 8 × 6 = 48, तो 6×6 = 36 आ चुका है। ठीक है, इससे आगे बढ़ें, फिर क्या बोला गया है, यदि नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चले, तो प्रति प्रवाह होता है विपरीत, तो उसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है, 9 मिनट में, तो दूरी तो वो ही है 4.8 बटे मिनट 9 है, और मिनट के से घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे 9 को, तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, दशमलव से ये जीरो आपकी कैंसिल हो चुकी है, और 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 और 3 से ये 3 × 3 = 18 तो 16 × 2 = 32, तो एक्स माइनस वाई 32 आ चुका है और एक्स प्लस वाई 36 आ चुका है। ठीक है, अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये धारा की गति क्या है। अब धारा की गति तो y होता है, अब y तो छोटा है ना, क्योंकि जो घटता है वो छोटा होता है, तो जब योग अंतर दे रखे हों तो छोटा वाला कैसे निकलता है, योग अंतर के अंतर को 2 से डिवाइड, दिन में अंतर कितने का है, 4 का, 4 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 इसका आंसर आ चुका है, लगातार 2 ही 2 आंसर आ रहा है। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या है देखते हैं, इसने बोला है एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्वप्रवाह, तो ऊर्ध्वप्रवाह तो विपरीत होता है, और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है ना। अच्छा, यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखो स्थिर पानी में नौका की चाल, तो स्थिर पानी का मतलब शांत जल में, तो उसे तो वाई मानते हैं, चाल कितनी है 9, और धारा की चाल भी इन्होंने आपको दे दी है। अब धारा की चाल कितनी दी है आपको, इन्होंने 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आने जाने का समय दिया है बी से ए तक, और ए से बी तक आने में 3 घंटे में चलती है ये। तो एक काम करें आप, आने जाने की चाल निकाल लें, तो दिशा में चाल क्या होती है, एक्स प्लस वाई, तो 9 × 3 = 12, और विपरीत चाल निकालें, एक्स माइनस वाई होती है विपरीत चाल, 9 में से 3 = 6। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो चाल है वो तो 12 है, और फिर यहाँ से वापस आया है इधर को, तो इधर को जो चाल है वो 6 है। अब याद करो, जब चाल दूरी समय मैंने आपको पढ़ाया था, चाल दूरी समय जब आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर दोनों चालों के लिए दूरी समान हो, तो दोनों चालों के लिए दूरी तो यही है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो क्या बताया था याद करो, अगर दोनों चालों के लिए दूरियां समान हो तो चालों का लेते हैं एलसीएम, आया याद, चालों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और जो एलसीएम आता है उसे टोटल दूरी मान लेते हैं, उसे टोटल क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। अब देखो ये तो चाल है, ये दूरी है, तो बचा क्या, समय, क्योंकि चाल और दूरी आपके पास है, तो समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 12 को 12 से भाग करेंगे 1 और 6 × 2 = 12, तो हमारे हिसाब से जाने में 1 घंटा लग रहा है और आने में 2 घंटे, तो कुल कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। अब आप ये देख लें, टोटल समय दिया है या समय का आपको अंतर दिया है ना, तो कुल समय ही दिया है, तो हमारे हिसाब से कुल समय 3 घंटे है,
और किताब के हिसाब से भी कुल समय 3 घंटे बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछेगा दूरी, तो जो एलसीएम लेते हैं वही दूरी है, तो 12 की गुणा करें, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 28, अब 28 में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता नीचे, तो नीचे तो दिशा में हो जाएगा, तो दिशा में जो चाल है वो x प्लस वाई कितनी है आपको इसने दी है 6, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपर स्ट्रीम, ऊपर मतलब विपरीत, तो ये विपरीत चाल दे दी है, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो स्थिर जल में उसकी गति क्या, अब स्थिर जल में गति क्या होती है x, शांत जल में या नाव की चाल या स्थिर चाल क्या होती है स्थिर जल में x, तो x बूझ रहा है बिल्कुल आसान है, जब योग अंतर आपके पास और बड़ा वाला बूझ रहा हो तो जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 6 और 2 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 6 और 2 8 का आधा 4, तो इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। 29 का आप आ जाए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह धारा के विपरीत 8 किलोमीटर, तो देखो दिशा में भी दे दिया है और विपरीत भी, तो दिशा में तो ये होता है और विपरीत ये होती है चाल x माइनस वाई, ये कितनी है 8 है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, धारा की गति, अब धारा की गति तो y होती है, तो y तो छोटा है, तो छोटा कैसे निकालते हैं जब योग अंतर हो, घटा के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो y बराबर 11 में से 8 गया तो 3 आएगा, तो 3 बटे 2 और 3 बटे 2 कितना होता है 1.5। इससे आगे बढ़ जाएं, 30 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है ना, धारा की दिशा में 5 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत भी, तो दोनों तरफ चाल निकालते बिल्कुल आसान है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है x प्लस वाई, अब कितनी दूरी तय करिए धारा की दिशा में, धारा के विपरीत तो 16 दिशा में 28 और 5 ही घंटे लग रहे हैं इसे, ठीक है, ये लीजिए, तो 5 × 25 बचे कितने 3 हो गए, 30 × 5 = 30, अब धारा के विपरीत निकालने x माइनस वाई, तो धारा के विपरीत चाल क्या है दूरी बटे समय, तो दूरी है 16 और समय है 5, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, धारा की गति, तो धारा की गति तो y होती है, तो y तो छोटा होता है ना, और जब छोटा निकालना हो और योग अंतर तुम्हारे पास हो तो घटा के 2 से डिवाइड कर दे, दिन में अंतर कितने का 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 और बटे 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, तो समय और दूरी दे दी है तो चाल ही निकलेगी, और धारा के विपरीत चाल क्या होती है x माइनस वाई, 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 8 × 5 = 40, तो धारा के विपरीत चाल आ चुकी है 5 तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल चाल होती है x प्लस वाई और 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 6 × 6 = 36 आ चुका है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल होती है x, तो x आपको निकालना है, तो x तो बड़ा है, तो बड़ा कैसे निकलेगा, योग अंतर को जोड़ के 2 से भाग, तो 6 और 5 = 11/2, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, तो 5.5 आ जाएगा। 32 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 32,
एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता था तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। बिल्कुल आसान है, दोनों तरफ दिशा निकाल दें, दोनों तरफ चाल निकाल दें, दिशा नहीं चाल। तो पहले तो धारा की दिशा में ही निकाल दें, तो धारा की दिशा में चाल ये होता है और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में ये 27 किलोमीटर जा रहा है कितने समय में, 4 घंटे में। तो चार छिक 24, बचे कितने, 3 हो गए, कितने 30 हो जाएंगे, 4 7 28 बचे कितने, 2 हो गए, 20 4 5 20। ठीक है, अब आप क्या काम करें, धारा के विपरीत x माइनस वाई। तो धारा के विपरीत 11 किलोमीटर 4 में जा रहा है, तो 4 2 8 बचे कितने, 3 बचे हैं, हो गए 30, तो 4 7 28 बचे, 2 4 5 20। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये धारा का वेग, तो धारा का वेग तो y होता है, अब y तो छोटा है, जब छोटा निकालना हो तो योग अंतर को घटा के 2 से भाग करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा और 6 में से 2 गया 4/2, तो बराबर 2। लगभग तीसरा पांचवा क्वेश्चन है, जब y की वैल्यू बूझिए तो 2 ही आ रही है ना। चलो इससे आगे आ जाएं 33 क्वेश्चन पे। अब देखो 33 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो ही क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, जो क्वेश्चन 33 है वही क्वेश्चन 27 है, अभी मैंने आपको कराया था, आप वहाँ देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं, 34 में क्या है, एक नाव धारा के साथ साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर, धारा के साथ साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर। तो कहने का मतलब 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर, तो ये 4 4 हो जाएगी, 3 घंटों में जाता आता है, तो कुल समय उसे 3 घंटे लगता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर हो तो नाव की चाल बूझ रहा है, तो कुल समय इसने आपको क्या दे दिया है, 3 घंटे दे चुका है। ठीक है, तो करेंगे क्या, कुल समय बराबर समय से निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी 4 है, धारा की दिशा में चाल होता है एक्स प्लस वाई। अब इसने धारा की चाल आपको दे दी है ना, कितनी, 1, और नाव की चाल x मान लेंगे, तो धारा की दिशा में चाल ये हो जाएगा, अब धारा के विपरीत चाल ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना समय लग रहा है, 3। देखो कुल समय आने जाने में 3 घंटे लग रहे हैं ना, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो ये तो धारा की दिशा में समय हो गया है और ये धारा के विपरीत समय हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से x को सोल्व कर लें, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो है तो ऑप्शन में, तो जिस ऑप्शन को रखने पर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका, 34 है, तो इसके 3 ऑप्शन तो पॉइंटों में, एक ही ऑप्शन बिना पॉइंट के, पहले उसे ट्राई कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है इसका 3 किलोमीटर, तो 3 रख के देखें, तो 4/3 और 1 4 और 3 में से 1 गया 2, तो 1 + 2 = 3, तो 3 ही आ गया और वो भी 3 ही है, तो इसका मतलब x का मान कितना है, 3, क्योंकि 3 रखने पर बराबर आया है। ठीक है, तो इससे आगे आ जाए 35, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है, अगर उसको धारा के विपरीत जाए तो 3 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, और धारा की दिशा में जाए तो 15 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो चाल निकाल दें, पहले तो धारा की दिशा में ही निकाल दें, तो दिशा में चाल तो ये होती है, और 15 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 5, और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में, तो धारा के विपरीत चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल तो वाई होती है, अब वाई कैसे निकलेगा, योग अंतर आपके पास है, छोटा वाला बुरा, तो घटा के 2 से भाग कर दे, 5 में से 1 गया 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। 36 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 36, देखो इसमें भी y की वैल्यू 2 ही आई है, y की वैल्यू 2 ही आई जा रही है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में, खेने का मतलब है चलना ही हो जाएगा एक तरह से, 11 से 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 से 1/2 मिनट लेता है, तो दूरी कितनी है, 3/4 है ना, तो
पहले चाल निकाल दें, तो धारा की दिशा में चाल निकालें, तो धारा की दिशा में तो चाल ये होती है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है, 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय। और कितना समय ले रहा, 7.5 मिनट, 7 सही 1/2 मिनट ले रहा है, तो 7 × 14 = 15/2 मिनट। अब मिनट के बनाए घंटे, क्योंकि दूरी किलोमीटर में ना, तो ये करना होगा आपको यहाँ पे, है ना, 15/2 है तो मैन बटा ये हो जाएगा, तो इसके बटे में एक, तो ये तो यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो कहने का मतलब है 15/2, यहाँ लिख देते हैं 15/2 × 60 हो जाएगा। अब 15 × 15 और 15 × 4 = 60, तो कितना, 1/8, तो समय 1/8 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब ये 8 यहाँ पहुँचेगा, 4 यहाँ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 8/4, तो 4 × 2 = 8, तो 3 × 2 = 6, तो एक्स प्लस वाई जो आपका आएगा वो 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इससे आगे एक्स माइनस वाई और आप निकालें इसका, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई धारा के विपरीत चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो वो ही है, अब समय कितना है ये देख लें, तो धारा के विरुद्ध समय ज़्यादा लग रहा है वो कितना है, 11 सही 1/4 मिनट है, 11 सही 1/4, तो 11 × 44 = 45/4 और मिनट के बनाए घंटे, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 45 × 1/4 × 60, तो 15 × 45 और 15 × 60, तो 3/16, तो यहाँ 3/16 आ जाएगा समय, ठीक है। तो ये होगा क्या, 16 तो ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, और 3 × 4 यहाँ आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, और 4 × 16 तो कितना आ गया है, 4, तो दोनों चाल आ गए, दिशा में 6 है और विपरीत 4 है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, स्थिर जल में, तो स्थिर जल में तो एक्स होती है, तो एक्स क्या है, बड़ा होता है, जब एक्स आपको बड़ा वाला निकालना हो और योग अंतर आपके पास हो, तो योग अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में चाल होती है एक्स, तो 7.5 हो जाएगा 15/2, ठीक है। और यदि नाव की चाल, नदी की चाल, तो 15/2 का मतलब आप 7.5 ही लिखें, और नदी की चाल होती है वाई, मतलब धारा की चाल, नदी की चाल से मतलब क्या हो जाएगा, धारा की चाल, 1/5 किलोमीटर है, ठीक। तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेती है, तो स्थान की दूरी बुझ रही है, आने और जाने का समय, जैसे ये है यहाँ ए और यहाँ बी, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ आने जाने में कितना समय लग रहा है, उसे 50 मिनट लग रहे हैं कुल समय, तो ये तो दिशा में चाल हो जाएगी, अब दिशा में चाल क्या होता है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10 और 7 × 8 = 9 हो जाएगा, और विपरीत चाल ये तो घट जाएंगे, और 7 में से 1 = 6, तो विपरीत चाल तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिशा में चाल 9 किलोमीटर, तो जब दिशा में गया तब भी दूरी ये थी, और जब वापस आया तब भी दूरी ये थी, तो दोनों चालों के लिए दूरी समान है ना, तो अभी तो बताया था एक क्वेश्चन, जब चालों के लिए दूरी समान हो तो उन चालों का एलसीएम लो, तो 9 × 2 = 18, अब ये चाल है ये दूरी है, तो क्या निकलेगा, समय, तो 9 × 2 = 18 और 6 × 3 = 18, तो कुल कितना समय लग रहा है, 2 और 3 = 5 घंटे लग रहे हैं, और किताब के अकॉर्डिंग कितना समय लग रहा है, 50 मिनट, और मिनट के बनाए घंटे, क्योंकि ये घंटे हैं ना, तो ये लीजिए, तो 5 से भाग करेंगे तो 1/1/6 आ जाएगा, 1 निकालने के बाद जो आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी कितनी, 18 की मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो 18 × 18 = 1/6 × 18, तो 6
तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं आप, 38 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 38, 38 में क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर एक घंटे में जाता है, तो धारा के विपरीत जो है चाल आ जाएगी आपकी, तो धारा के विपरीत चाल होती है x-y, तो समय और दूरी दी है 2 किलोमीटर एक घंटे में, तो एक घंटे में चली गई दूरी तो चाल होती है, 2/1 ही लिखेंगे तो एक ही 2 ही आएगा, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में। अब धारा की दिशा में चाल x+y होती है 1 किलोमीटर 10 मिनट में, अब मिनट के तो घंटे बनाएंगे तो ये लीजिए तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो धारा की दिशा में चाल 6 और धारा के विपरीत चाल 2 आ चुकी है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, तो शांत जल में समय पूछ रहा है, शांत जल में क्या पूछ रहा है, समय। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो पहले शांत जल में चाल निकाल लें, तो शांत जल में रुके जल का मतलब शांत है, तो शांत जल में चाल होती है एक्स, तो एक्स कैसे निकलेगा, योग अंतर को जोड़ का आधा कर दें, तो 6 2 8 का आधा 4 आ गया। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी उसने दी है कितनी, दूरी 5 किलोमीटर, और चाल कितनी है 4 शांत जल में, तो 4 × 4 तो 1 घंटा तो ये हो गया है, और बचा कितना है 1/4। अब ये जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार तो पूरा कट जाएगा, 1/4 बचेगा, अब घंटे के मिनट बने 15, तो 1 घंटा 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएं। 39, अब 39 में क्या है, 39 हो चुका है, जैसा 27 और 33 है, 27 मैं आपको करा चुका हूँ और 33 भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं, 40 में क्या है, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, तो प्रतिकूल होता है विपरीत, प्रतिकूल क्या होता है विपरीत, तो विपरीत चाल होती है ये, तो 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 6 × 24 तो 4 आ गई है चाल x-y विपरीत दिशा में, और 36 किलोमीटर की दूरी अनुकूल प्रवाह में, तो दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में 6 घंटे 30 मिनट में, तो ये तो वही है इक्वेशन बनानी होगी आपको, दो जैसा 22 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 22 कराया है ना आपको, इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ आप सोल्व कर लेना, 22 अभी मैंने आपको कराया था, फिर 23 मैंने आपको छोड़ दिया था वो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही थी, कर देते हैं। चलो देखो, 6 घंटे लग रहे हैं उसे प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 6 किलोमीटर आने में, तो दोनों तरफ का समय दे दिया उसने कुल 6 घंटे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो धारा की दिशा में दूरी है 36 और चाल होता है x+y, और धारा के विपरीत चाल दूरी कितनी है 24 है, और समय चाल क्या होता है x-y, और आने जाने में कुल समय कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, आप 6 से डिवाइड कर लेना इसे, 6 × 36 और 6 × 24 और 6 × 6, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, एक इक्वेशन और बननी की भी इसमें। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह और 24 किलोमीटर अनुकूल, अब के अनुकूल 24 जा रहा है, अनुकूल कितना जा रहा है 24 और प्रतिकूल कितना जा रहा है 36, और कितना समय ले रहा है 6 घंटे 30 मिनट, तो 6 सही 1/2 है ना, 6 सही 1/2 तो 13/2, ये इक्वेशन आपकी 2 बन चुकी है। इन दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व कर लेना, मैंने बताया है 22 क्वेश्चन देखना, 22 के जैसी कैलकुलेशन होगी।
इससे आगे आ जाएं, 41 पे आ जाएं, उससे नंबर 41। 41 में क्या है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर, अनुप्रवाह तो दिशा में होता है, कुल 8 घंटे में लौट आता है, मतलब आने जाने का समय दे दिया है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो, खड़े पानी का मतलब होता है शांत जल में, शांत जल में चाल। और फिर आगे क्या बोला गया है, धारा की चाल की चाल, ठीक है। अब जो है शांत जल में जो चाल है वो खड़े पानी का या शांत का मतलब वही है, धारा की चाल से 4 गुना है। तो धारा की चाल 1 माने तो ये कितना हो जाएगा, 4। अनुपात हटाएं, ऐसे हटाते हैं अनुपात, कोई भी चर राशि ले लेते हैं, ठीक है। अब आने जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं, तो उसी से कर ले इसे। तो धारा की दिशा में समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब धारा की दिशा में समय क्या होता है, ये तो एक्स है और ये वाई है, इसे कुछ और मान लें आप, ए मान लें, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है, एक्स प्लस वाई, तो 4 और 1 5 है, प्लस धारा के विपरीत समय, दूरी बटे चाल, तो एक्स माइनस वाई होती है चाल, धारा के विपरीत 4 में से 3 है, तो कुल कितना समय लग रहा है, 8, ठीक है। 5 6 30 और 3 धाम 30, ठीक है। तो 6 बटे a प्लस 10 बटे a बराबर 8। अब a तो एल से हो जाएगा, तो 16 बराबर 8, तो यहाँ से कैलकुलेट होके a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब वो धारा की पूछ रहा है, धारा a ही है, ठीक है, तो इसका आंसर ये ही हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ लें, धारा की चाल पूछ रहा है, तो इससे आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। 42 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। तो स्थिर पानी का मतलब होता है शांत जल, तो शांत जल में चाल उसने आपको दे दिया 7.5, मतलब 15/2, ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, है ना, विरुद्ध, तो समय का अनुपात दिया है। तो देखो, एक तो दिशा में समय है ना, और एक विपरीत समय, तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें खुद पता दिशा में कम समय लगेगा, चाहे पढ़ के देख लें। उसने बोला उसे पता चला कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, तो विरुद्ध जाने में 2 गुना समय लगता है, तदनुसार नदी की धारा की गति कितनी है। तो देखो करना क्या है, ये अनुपात तो समय का है और वो गति बूझ रहा है, तो गति का ही अनुपात निकालें, तो गति तो समय का उल्टा होता है, तो चाल का अनुपात ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसने हमें कौन सी चाल दे रखी है, शांत जल में चाल। अब शांत जल में चाल क्या होता है, है ना, ये तो होगी दिशा में चाल, ये एक्स है और ये वाई है, है ना, ये दिशा में चाल है और एक विपरीत चाल हो जाएगी आपकी। अब आपसे पूछा क्या है, उसने वो धारा की चाल आपसे पूछना चाह रहा है, तो और आपको जो है उसने शांत जल में चाल दिया है, किस में चाल दी है, शांत जल में, तो शांत जल में चाल, अब ये जो है ये तो दिशा में चाल है, ये एक्स प्लस वाई है और ये विपरीत चाल है, एक्स माइनस वाई, ठीक। देखो क्योंकि ये दिशा में समय था ना, ये विपरीत समय था, तो दिशा में चाल क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और विपरीत चाल क्या होती है, एक्स माइनस वाई। तो उसने आपको एक्स की वैल्यू दे रखी, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स कैसे निकलेगा, योग अंतर को घटा के 2 से भाग कर दे, तो 2 और 1 में जोड़ के 2 से भाग करें, क्योंकि एक्स बड़ा है ना, तो योग अंतर को जोड़ लें, तो 2 और 1 3, 3 को 2 से भाग, तो हमारे हिसाब से शांत जल में चाल ये है और किताब के हिसाब से शांत जल में चाल ये है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर 5,
अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछना चाह रहा है वो, तो वो तो आपसे पूछ रहा है धारा की चाल। अब धारा की चाल कैसे निकलेगी, योग अंतर को घटा के दो से भाग, तो दो में एक में एक का अंतर है तो एक बटे दो, तो एक बटे दो की गुणा करें तो दो दुनी चार, वो ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, या दो सही 1/2। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाए 43 पा जाए। 43 में क्या है, ये थोड़ा बेसिक हो जाएगा क्वेश्चन। एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक और फिर वापस चलती है, पहले ए से बी तक गई है फिर बी से ए तक आई है, दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित हैं, यदि स्थिर जल में बोट की चाल को दोगुनी कर दी जाए। देखो एक बार तो चला दिया, पहले ऐसे और फिर ऐसे, अब जो है स्थिर जल में बोट की चाल को दोगुना कर दिया, अब तो ए और बी और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा, है ना। जब चाल ज़्यादा कर दिया तो समय तो कम ही लगेगा, तो मोटर बोट की वास्तविक चाल क्या है, चाल का नदी की चाल से पूछ रहा, तो वास्तविक चाल से मतलब तो शांत जल में चाल होता है जो एक्स, और धारा की चाल या नदी की चाल होता है वाई, तो एक्स अनुपात वाई इसने आपसे पूछा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो दूरी हमें पता नहीं है, समय की ये बात कर रहा है, तो दोनों तरफ का समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो ये लीजिए दूरी एक डी मानी और धारा की दिशा में समय निकाल ले, तो धारा की दिशा में चाल यही तो होती है एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई, एक समय तो ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसने क्या काम करा है, शांत जल में चाल डबल कर दी है, तो शांत जल में चाल यहाँ तो एक्स, शांत जल में डबल करिए ना, हाँ तो शांत जल में तो यहाँ एक्स है, तो अब 2x हो जाएगी, तो अब समय 2x प्लस वाई और डी अपॉन 2x माइनस वाई, ये दिशा में समय ये विपरीत समय, तो अब जो समय लग रहा है वो पहले समय का 20% है, पहले समय का कितने का है 20%, तो ये 20% है ना, और हमने रख रखा है बराबर, तो बराबर जब होगा जब आप इधर 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 20% होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5 होता है, तो यहाँ एलसीएम लें आप, तो एलसीएम तो यही हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और डी से तो डी कैंसिल होना ही होना है, क्योंकि डी यहाँ कॉमन निकल जाएगा, तो डी तो खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, वरना डी कॉमन लेंगे कैंसिल, तो यहाँ भी 1 बचेगा यहाँ भी 1 बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई तो इधर होगी प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और डी तो खत्म हो जाएगा, और बाहर ब्रैकेट में है 1/5, क्योंकि 20% होता है 1/5, इधर भी डी खत्म हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर 2x माइनस वाई और इसके इधर 2x प्लस वाई और अपोन में 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ y से y कैंसिल, तो ये 2x हो चुका है। अब देखो नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो ये क्या होता है x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यहाँ भी y से y कैंसिल, तो 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x बटे, तो 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ये, तो x से तो x कैंसिल है और 2 से 2, 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा, 5 की इधर गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 और इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और 5 दूनी 10 और इसकी भी साथ में होगी गुणा, ये जो है, तो कहने का मतलब ये साथ के साथ आप देखना 10x स्क्वायर माइनस के 10y स्क्वायर, अब x स्क्वायर एक तरफ तो इधर आएगा माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 6x स्क्वायर, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, है ना, माइनस का है तो उधर जाके कितने का हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 10 और 1 11 वाई स्क्वायर, कितना 11 वाई स्क्वायर, तो इसमें जो है ये यहाँ थोड़ी सी गलती हो चुकी है, ये वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस का होगा और उधर पहले से माइनस का, तो घट जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, है ना,
तो ये उधर माइनस के 9 बचेंगे, तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल, और 3 दूनी 6 और 3 3 9। कहने का मतलब है 2x² बराबर 3y² आ चुका है। अब यहाँ को कर देते हैं x² बटे y² बराबर 3/2 हो चुका है, ठीक है। तो x/y बराबर √3/√2, ठीक है, वर्गमूल लिया जाएगा। अब बटे में जो है रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट कैसे कैंसिल होगा, अपने पास से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें आप, ये लीजिए, तो कितना हो जाएगा √6/2, और √2 की √2 में करेंगे तो 2। तो कहने का मतलब है एक्स अनुपात वाई कितना आ जाएगा, √6/2। देखो ये कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, है ना, देख लेना आप लोग, मैंने कर दिया है। इससे आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, वरना और तो बहुत आसान तरीके से हो चुके हैं सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं, 44, 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं आपके। 44 में क्या है, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, स्थिर जल में चाल देती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलने में चलते हुए तिगने समय में तय करती है। तो धारा के विरुद्ध कितना समय, तिगना समय, तो आप ये मान लें धारा की दिशा में 1 घंटा लग रहा है, तो धारा के विरुद्ध 3 घंटे लगेंगे ना, धारा की दिशा में 1 घंटा लग रहा है तो धारा के विरुद्ध 3 घंटे लगेंगे। तो धारा की गति क्या है, अब देखो दूरी तो वही होगी ना, ए और बी, धारा की दिशा में जैसे जाएं तो दूरी ये है, अब विरुद्ध आए तो दोनों पार दूरी तो वही है। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है ना। अच्छा, अब शांत जल में चाल कितनी दी है इसने आपको, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिशा में समय कितना लग रहा है, 1, तो दूरी होगी ये, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब विरुद्ध कितना समय लग रहा है, तिगना, तो विरुद्ध दूरी बराबर चाल गुना समय। अब विरुद्ध जो दूरी होगी, चाल होगी, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल, अब धारा की चाल तो बूझ रहा है उसे वाई मान लेंगे, तो विरुद्ध चाल हो जाएगी 9 - y, और कितना समय लग रहा है, 3, ये लीजिए 3 3 9, ठीक है, तो 9 - y, अब ये इधर आएगा तो 6 बचेगा, कहने का मतलब है 6 इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाएं। 45 भी ऐसे ही है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। अब 1 घंटे में चली गई दूरी को ही तो चाल कहते हैं, तो शांत जल में तो चाल होगी 6, परंतु वह धारा के प्रतिकूल का मतलब विरुद्ध, यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, ठीक है। तो देखो वही होगा, दूरी बराबर दूरी है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, हमने धारा की दिशा में 1 घंटा मान लिया, तो विरुद्ध 3 लगेगा। अब विरुद्ध चाल क्या होगी, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल, धारा की चाल वाई होती है, तो 3 ही कम 3 3 दूनी 6, 2 बराबर 6 - 4, अब ये 6 - y, ये इधर आके माइनस के 4 बचेंगे, तो y बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 4। एक क्वेश्चन और बचा, 46। 46 में क्या है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल, देखो इस बार दिशा दी है इसने, अनुकूल बोला है, तो इस बार x+y लिया जाएगा, एक निश्चित दूरी तक जाने में तथा उसके 4 गुने समय से धारा के प्रतिकूल वापस आता है, मतलब दिशा में और विपरीत में जो है 4 गुना समय लगता है दिशा से विपरीत में, ठीक है। तो इस बार जो है इसने अनुकूल बोला है, जैसे यहाँ हम जो है, यहाँ जो हमने चाल ली थी केवल शांत में ली थी, दिशा में नहीं ली थी, क्योंकि दिशा में तो x+y होता, क्यों नहीं ली थी, क्योंकि उसने इस बार यहाँ दिशा में बोला ही नहीं था, केवल शांत बोला था, यहाँ भी दिशा नहीं बोला केवल शांत बोला था, यहाँ विपरीत बोला था, यहाँ भी विपरीत बोला, इस बार यहाँ दोनों तरफ बोल रहा है, दिशा में भी और विपरीत। तो दिशा में चाल क्या होती है, x+y। अब इसने आपको कोई चाल दी होगी, तो इसने जो है आपको धारा की चाल दी, तो धारा की चाल तो 6 दी है, और शांत जल में चाल होती है एक्स, तो दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x+6, और विपरीत चाल क्या हो जाएगी, x - 6। अब दूरी बराबर दूरी रखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना दिशा ये दूरी और फिर वापस आना, तो दोनों बार दूरी तो बराबर ही है,
दिशा में जो है दूरी 4 गुना समय, 1 घंटा लग रहा है, और विरुद्ध जो है 4 गुना समय लग रहा है, ऐसे 4 ही लग रहा है ना। हाँ बस इसे सॉल्व कर लें आप, तो एक्स प्लस 6 बराबर 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें 4x माइनस के 24, तो ये x इधर आएंगे तो माइनस के 3x और ये माइनस के 30, तो x बराबर 10। तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो चुका है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।